आज हम सीखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे इजी मेथड से बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सी शेप कर्व लें, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर बनाएं, डबल लाइन करते हुए सी शेप लिया, नीचे से हल्का सा इसको खुला रखेंगे। अब हमने यहाँ से ट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, ट्यूब को हल्का सा टर्न किया, थोड़े से कर्व बनाने हैं। कर्व के लिए सबसे पहले हमने इसमें थ्री नंबर का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे थ्री लिखते हैं वैसे ही कर्व करते हुए लाइन को हमने बनाना है। बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपने सिर्फ कर्व शो करने हैं। तो कर्व शो करने के लिए आप थ्री नंबर को डबल लाइन करके करें, यहाँ पे हल्का सा पैरेलल लाइंस, देन यू शेप, यू शेप यहाँ से लिया आपने, ये थिन बनेगा ऊपर वाली ट्यूब से, ऊपर वाली ट्यूब थोड़ी थिक थी, यहाँ पे थिन, अगेन थिकनेस इसकी थोड़ी बढ़ा दी हमने, हल्का सा कर्व लिया। अब अगेन हमने डिफरेंट कर्व्स कैसे देने हैं, अगेन वही थ्री नंबर की शेप लेके, तो थ्री दोबारा से लिखा कर्व देते हुए, अगेन थ्री को ओवरलैप पैरेलल लाइंस में किया, यहाँ से अगेन एक टर्न लिया, यू शेप ही आप कह सकते हैं इसको, और अब हमने इसको एक कंडक्टिंग डक्ट में एंडर कर दिया। नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, तो एक ही नेफ्रॉन ही ज्वाइन होता है कंडक्टिंग डक्ट से, बहुत सारे होते हैं पर यहाँ हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की, तो सबसे पहले रीनल आर्टरी एंटर करती है, ये थोड़ी थिक बनानी है, अंदर ये पैरेलल लाइंस कैपिलरीज आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, यहाँ से जो लाइन निकलेगी कैपिलरी निकलेगी वो थोड़ी सी थिन होती है जो आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड है। इन ब्रांचेस को हमने इस ट्यूब के अराउंड कॉइल करना है, तो कभी आगे से पीछे से ओवरलैप करते हुए डिफरेंट कर्व स्ट्रक्चर देने हैं, तो आप इसमें 3D वर्जन में ले जा सकते हो, ऊपर नीचे साइड में, यहाँ से अगेन यू शेप लिया, यू शेप को ऊपर लेते गए, अगेन ट्यूब के अराउंड अब हमने इसे फिर से कॉइल करना है, ठीक है, तो 3D की तरह हमने इसको शो किया है, एक बारी ऊपर से लेके कर्व को, एक बारी नीचे से ओवरलैप करते हुए, और एंड में इसका एक एंड ओपन रख देना है, ठीक है। अब जो नीचे यू शेप लिया था, यू शेप में हमने आपस में दोनों को इंटरलिंक करना है, डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होगी दिस यू लूप, यू शेप लूप को, देन ज्वाइन करते हुए ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब नेमिंग बात करें तो जो एंटर हुआ ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ वो रीनल आर्टरी में था, और जो एग्जिट करेगा प्योर ब्लड के साथ वो रीनल वेन में होगा। रीनल के दो पार्ट डिवाइड हो गए, एफ्रेंट जो एंटर किया, ईफ्रेंट जो एग्जिट है, जो थिन है वो ईफ्रेंट है। सी शेप का बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमेरुल्स, एंड देन ये दो थ्री जो बनाए थे, तो स्टार्टिंग का जो थ्री शेप कर्व था वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड वाला डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल PCT एंड DCT, नीचे लूप ऑफ हेनले, और जो लास्ट में जो पैरेलल लाइंस बनाई थी दिस इज अ कंडक्टिंग डक्ट जिसमें यूरिन सारा बाद में कलेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं किस तरह से ब्लड इसमें प्योरीफाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी कर रही है एफ्रेंट के थ्रू, ग्लोमेरुल्स बोमेंस में एंटर हुआ, ग्लोमेरुल्स में फिल्टर होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड सारा सेपरेट आउट होके ट्यूब्यूल में आ जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सेकेंड सेक्शन होता है हमारा, दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल में से वापस ग्लूकोज का, देन सॉल्ट्स का, ठीक है, देन इट एंटर्स इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे सिक्रीशन होगा एक्स्ट्रा, वी कैन से वाटर एंड सॉल्ट का, देन यूरिन पास किया जाएगा कंडक्टिंग डक्ट में, और रीनल वेन हमारा प्योर ब्लड बाहर कैरी करेगी। तो यूरिन फॉर्मेशन तीन मेजर स्टेप में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल में होगी जिसमें ग्लोमेरुल्स के थ्रू ग्लूकोज अमीनो एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड फिल्टर होके ट्यूब्यूल में आ जाएगा। देन PCT में सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा वाटर ग्लूकोज अमीनो एसिड आयंस Na+ K+ Cl- और सॉल्ट का। सिमिलरली DCT में जैसे ही आएगा वहाँ पे सिक्रीशन होगा एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, बैलेंस करने के लिए DCT में सिक्रीशन हो जाएगा।